नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उड़ीसा के बालासोर जिले में कल जो हुआ उसमें कई लोगों ने अपनों को खोया तो कई लोगों के आंखों के आंसू अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये तस्वीरें दुर्घटना स्थल की हैं, जहां बालासोर जिले के वाहनागो रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। दरअसल स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में भिड़ गई। ट्रेनों की भिड़ंत इतनी ज़ोरदार थी कि कोरोमंडल ट्रेन पटरी से उतर गई और इसके कई डिब्बे मालगाड़ी पर चढ़ गए। आज सुबह केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायज़ा लिया। माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है, टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमिटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। उड़ीसा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने बताया कि घटना में अभी तक 233 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और वहीं 900 लोगों के घायल होने की सूचना है। लोगों को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। सो फार अराउंड 900 passengers have been injured and are being treated in various hospitals in Baleswar, Mayurbhanj, Bhadrak, Jajpur and Cuttack districts, including in the two medical colleges of Cuttack and Baleswar. And so far we have got reports of 233 dead bodies have been recovered. And the search and rescue operation is still going on. One buggy which has been very severely damaged and has been rammed into by another buggy. That only buggy is left. NDRF, Odisha Disaster Response Force and Fire Service personnel are still working with their machineries to cut the buggy and try to recover the living or the deads. हालांकि ट्रेन में सवार कुछ यात्री जो अभी तक पूरी तरह सुरक्षित हैं, उन्होंने अपनी आप बीती बताई। सुनिए इन यात्रियों से उस भयानक मंजर के बारे में। मैं सोया था उस टाइम, फिर ऑटोमेटिक मेरा नींद जाग गया, फिर देखा ज्यादा जोर सा आवाज हुआ, फिर ट्रेन ऐसा जा रहा था तो एक वो जो फैन है ना ऊपर का, वो फैन पकड़ के मैं बैठा था, मेरा सीट ऊपर था। फिर बाद में ट्रेन रुका, उसका बाद हम लोग फिर नीचे आया। ट्रेन में सारे पैसेंजर्स कौन थे, क्या थे, क्या सिचुएशन था उस समय? उसी टाइम तो कितना आदमी इधर उधर भागता है, इसको बचाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को थोड़ा मदद करो, ये तो सभी लोग बोलता रहता है। फिर किस किस को मदद करेगा, फिर हम लोग दो तरफ भी बोला, फिर उसको लेके फिर साइड भी किया। उसी टाइम कैंटिंग में आग लग गया, फिर हम लोग उधर भाग गया। घटना स्थल पर एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और दमकल विभाग की टीमें तैनात हैं।
बचाव कार्य और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हमारी कल रात से हमारी 6 टीम लगी हुई है यहाँ पर और हमारे डॉग्स भी लगे हुए हैं और हमारी मेडिकल टीम भी लगी हुई है और लगातार हम काम कर रहे हैं, जितना बन सके हम लोग सभी मिलकर काम कर रहे हैं। सर, जो यहाँ पे टीम के अंदर में कुछ लोग फंसे हुए थे, क्या अभी तक निकाल लिए हैं? जितने थे लाइव विक्टिम लगभग हम लोग निकाल लिए हैं और अभी जो भी डेड बॉडीज है उनको हम लोग निकाल रहे हैं।